नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। शुक्रवार को कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार जबरदस्त गिरावट के साथ खुला। घरेलू बाजार खुलते ही सेंसेक्स में 900 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई। वहीं निफ्टी भी 14,800 के लेवल पर पहुंच गया है। 30 शेयर वाले बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स के सभी 30 शेयर लाल निशान पर खुले। पीएसयू, बैंकों और मेटल सेक्टर में दबाव देखने को मिला है। आपको बता दें, ओपनिंग के वक्त सेंसेक्स में 917 अंकों यानी कि 1.80% की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद बीएसई सेंसेक्स 50,122 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। वहीं एनएसई निफ्टी भी 267 अंकों यानी कि 1.77% के साथ 14,829 के स्तर पर खुला। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। सीएनएक्स मिड कैप भी 172 अंक लुढ़क कर कारोबार कर रहा है। आपको बता दें, शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सभी सेक्टर्स लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। इनमें बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा, एफएमसीजी, आईटी, मेटल, ऑयल एंड गैस, पीएसयू और टेक्स सेक्टर्स शामिल हैं। सबसे ज्यादा गिरावट बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में कोल इंडिया, मारुति सुजुकी इंडिया, नेस्ले, IOCL, डॉक्टर रेडीज लैब्स, HUL और सन फार्मा के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। वहीं इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC, टाटा मोटर्स और HDFC बैंक के स्टॉक्स में गिरावट देखी गई है। फाइनेंशियल और PSU बैंकिंग सेक्टर में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि गिरावट कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते आई है। आज एशियाई बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में गिरावट आने का असर एशियाई और घरेलू बाजारों पर भी पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के S&P/ASX में भी शुरुआती कारोबार में 200 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें कि जापान का निकेई भी 225 अंक नीचे गिरा। बता दें कि मार्केट में गिरावट तब देखी जा रही है जब आज मार्केट क्लोजिंग के बाद NSO यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 2020-21 की तीसरी तिमाही में GDP ग्रोथ का अनुमान जारी करने वाला है। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था इसके पहले की दो तिमाहियों में कॉन्ट्रैक्शन देखने के बाद तीसरी तिमाही में ग्रोथ देख सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।